बिलासपुर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली बात को लेकर प्रिंसिपल ने छात्र की स्टंप से जमकर पिटाई कर दी है। दरअसल पूरा मामला मोका स्थित प्रयास एकेडमी का है, जहां तकरीबन रात 12 बजे बच्चे हॉस्टल में बर्थडे मनाकर कमरे में वापस जा रहे थे, तभी कोई छात्र ने प्रिंसिपल की रूम का दरवाजा खड़खड़ा दिया, जिससे बौखलाकर प्रिंसिपल ने छात्र भुयांश जायसवाल के कमरे में जाकर छात्र की हाथ और स्टंप से जमकर पिटाई कर दिया, जिससे छात्र को काफी चोटें आई है। घटना का तो रात में 12 बजे मारपीट हुआ था, उसको बुरी तरीके से मारे थे, और सुबह मेरे को 10 बजे फोन आया कि चोट लगा है, गंभीर चोट लगा है करके। जाके देखा तो फिर लेफ्ट साइड का एल्बो में फ्रैक्चर है, पूरा हाथ सूजा हुआ है, दोनों पैर में पूरा डंडे का निशान है, स्टंप से मारे हैं करके बता रहे हैं, और दोनों हाथ में निशान है चोट का। सुबह पता चला तो फिर तुरंत इधर फिर शिकायत की है। उनको मारे इसलिए हैं कि बता रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब 12 बजे रात में सो रहे थे, तो दरवाजे को कोई खटखटाए हैं करके। मेरा छोटा भाई बता रहा है कि बर्थडे था, तो छोटा भाई कोई विश करके अपने रूम जा रहे थे, तो पीछे से कोई दूसरा लड़का उसके दरवाजे को खटखटाए प्रिंसिपल सर के, तो प्रिंसिपल सर को कंफ्यूजन था कि कौन खटखटाया, और जाके फिर पढ़ रहा था मेरा छोटा भाई अपने रूम में, वहाँ पे जाके दरवाजा खुलवाए, तुरंत फिर मारना स्टार्ट कर दिए, फिर पूछे कि क्यों मार रहे हो करके, तो फिर मारना स्टार्ट कर दिया, फिर ऐसा कंटिन्यू, फिर उसमें स्टंप है, स्टंप से फिर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारे, जिससे गंभीर चोट आया, फ्रैक्चर भी हो गया लेफ्ट साइड का हैंड, हाथ में कोहनी जॉइंट पे। मेरा डॉक्टर नितेश जायसवाल।